Good morning, student. Good morning. चलिए, कल हम लोग कंप्लीट किए कैजुअल आइटम। अगर कोई डाउट है जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर डाउट मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। राइट, जल्दी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उससे शुरुआत करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। राइट, जल्दी तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। मेंबर सब्सक्रिप्शन, आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। राइट, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। क्लियर, मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ फी, जस्ट लाइक अ फी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले समझ लीजिए फिर लेके कर लेंगे हम लोग। मेंबर सब्सक्रिप्शन, राइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये देखिए सर, मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर ये है क्या? ठीक है, आपको पता होगा आप सरस्वती पूजा करते हैं। हाँ करते तो है सर, तो हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक में सरस्वती पूजा होता था। राइट, तो ब्लॉक में जो भी लड़के लोग थे अपने एज ग्रुप के, सब सामने बैठ के मीटिंग किए कि चलो जी हम लोग को सरस्वती पूजा इस साल मनाना है, चंदा भी लेंगे, चंदा काटेंगे, मार्केट से जाकर रिसिप्ट, चंदा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट के लिए, चंदा रिसिप्ट के लिए, डोनेशन रिसिप्ट प्रिंट करवा चाहो तो प्रिंटेड मिलता ही है मार्केट से, प्रिंट करा के लाए। ठीक है, और एक चीज और डिसाइड हुआ उसी मीटिंग में कि हम लोग जो भी मेंबर हैं आपस में 500 रुपया मिलाएंगे। तो मेंबर कितना मिला रहा है बताओ, 500 ईच मिला रहा है। तो वहां तो छोटा रूप में क्या था, सरस्वती पूजा के लिए मेंबर लोग, जो मेंबर था उस ब्लॉक का लड़का लोग साहब, वो लोग 500 रुपया मिलाया। राइट, सब कुछ ब्लॉक में 5 लड़का था तो 2500 हो गया। ठीक है, फिर चंदा काटे, फिर दोनों पैसा को मिलाकर हम लोग सरस्वती पूजा किए और कुछ पैसा बच गया, अगले साल के फंड में रख दिए कि फिर अगले सरस्वती पूजा होगा तो उससे मूर्ति बुक करेंगे। राइट, ठीक उसी तरह यहां पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स हैं ऑन रेगुलर बेसिस अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेंबर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, टू अलाइव देयर मेंबर, मेंबर एज अ मेंबर। क्लियर, चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है मेंबर सब्सक्रिप्शन। ये देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर
सब्सक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन। सर व्हाट इज इट, ये है क्या सर? ये है क्या? मेरे को बताइए सर ये होता क्या है मेंबर सब्सक्रिप्शन? आपके एग्जाम में सीबीएसई में 1 मार्क्स में आ सकता है डिफाइन मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो फिर आप क्या लिखोगे? इट इज एन इनकम राइट, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम राइट, लेकिन टेक्निकली आप क्या लिखोगे? आप देख लो साहब क्या लिखना है आपको। ये देखो साहब, आ पीरियोडिक अमाउंट रिसीव बाय मेंबर्स of not profit organization, clear? Organization for keeping their membership alive in such organization क्लियर? फिर से देख लो साहब जी, अ पीरियडिक अमाउंट रिसीव बाय मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कीपिंग देयर मेंबरशिप अलाइव इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड each called member subscriptions. Any doubt? फिर से एक बार देख लीजिए साहब जी, आप लोग फिर से देख लीजिए, अमीषा गुप्ता गुड मॉर्निंग, चलिए राइट फिर से देख लीजिए, अ पीरियडिक अमाउंट रिसीव बाय मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कीपिंग देयर मेंबरशिप अलाइव इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्त, देखते हैं दोस्त क्या होता है। ये देखो, अपीरियोडिक अमाउंट, सर अपीरियोडिक अमाउंट मत मीन्स साहब जी पीरियोडिक का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए साहब जी, पीरियोडिक अमाउंट मतलब हो सकता है हम मेंबर लोग से मंथली ले रहे हैं, हो सकता है
हम मेंबर लोग से क्वार्टरली ले रहे हैं, हो सकता है हम मेंबर लोग से हाफ ईयरली ले रहे हैं, क्लियर, हो सकता है मेंबर लोग से हम एनुअली ले रहे हैं, एनुअली ले रहे हैं, राइट, क्लियर। अब ये देखो सर, अमाउंट इधर देखो, अमाउंट, हां बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बुक में लिखा फिक्स अमाउंट, यस 100% फिक्स अमाउंट, बट इट कैन फ्लक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर सब्सक्रिप्शन फी रुपीज 500 ईच एंड द क्लब हैविंग 100 मेंबर, इट कैन बी नेक्स्ट ईयर, इट कैन बी द मेंबर सब्सक्रिप्शन 550, द क्लब हैविंग 100 मेंबर, तो बताओ चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं, हां सर चेंज हुआ, राइट, नाउ समथिंग डिफरेंट, इट कैन बी, इट कैन बी दोज मेंबर हु हैव ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन एट फाउंडेशन लेवल, एट इनिशियल लेवल हैव टू पे 300, बट दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव ज्वाइंड द मेंबर एज अ मेंबर आफ्टर 2015-2016 हैव टू पे रुपीज some different amount. So it means what? The amount can be, the amount can be fixed, fixed or fluctuate, fixed slash fluctuate, ठीक है, fixed भी हो सकता है और हो सकता है चेंज भी हो जाए या फ्लक्चुएट हो जाए, क्या हो जाए बताओ, फ्लक्चुएट हो जाए, फिक्स भी हो चेंज भी हो, ठीक है, और सबसे अच्छी बात और साहब जी वेरिएबल, साहब जी वेरिएबल, वो वेरिएबल भी हो सकता है कि सर्टेन मेंबर हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एंड सर्टेन मेंबर हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट, राइट, क्लियर। नाउ रिसीव बाय मेंबर्स, रिसीव बाय मेंबर्स, क्लियर सर, हु आर द मेंबर्स हु टेक इनिशिएटिव इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, एनपीओस फॉर कीपिंग देयर मेंबरशिप अलाइव, टू कीपिंग देयर मेंबरशिप अलाइव इन अ सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट, इज कॉल्ड मेंबर सब्सक्रिप्शन, क्लियर। फिर से हमने क्या सीखा, मेंबर सब्सक्रिप्शन ये प्रोडिक अमाउंट, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, राइट सर, अमाउंट कैसा अमाउंट, ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी कर सकता है, और मेंबर बाय मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। नाउ अब आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज बी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक है, लिया, डन सर, लिया, पॉइंट नंबर वन इट इज मेन सोर्स, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम
इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, राइट, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम. चाहे आप लिख सकते हैं इट इज मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बट रेवेन्यू मीन्स व्हाट? अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, राइट, फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज बेटर राइट मेन सोर्स ऑफ इनकम. क्लियर? फिर से, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट इज रेवेन्यू, दैट इज व्हाट? रेवेन्यू. बट हियर रेवेन्यू इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर फॉर नन फॉर नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है. क्लियर? हो सकता है डोनेशन ना मिले, लीगेसी ना मिले, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया सरस्वती पूजा का, हो सकता है चंदा ना मिले, तब क्या करना पड़ेगा साहब जी? तो जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके मेंबर सब्सक्रिप्शन जो भी था उसी से पूजा होगा, राइट? क्लियर? स्टूडेंट क्लब, क्या बताओ? सरस्वती पूजा स्टूडेंट क्लब. नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, टोटल टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, जितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, राइट, हो सकता है कुछ पिछले साल का भी मिल गया हो सकता है कुछ लोग, कुछ मेंबर हमको एडवांस दे दिए हैं. टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर इरेस्पेक्टिव irrespective of time, irrespective of time, clear, will be shown, will be shown will be shown in receipt and payment account, receipt and payment account. कहां दिखाएंगे उसको? Receipt and payment account में दिखाएंगे, at receipt side, at what? Receipts side, at receipt side. Clear? On cash basis principle, on cash basis principle. Clear? Next, फिर से एक बार देख लीजिए साहब जी, फिर से देख लीजिए साहब जी, फिर से देख लीजिए टोटल. चलो उस पॉइंट को देख लेते हैं, पहला वाला पॉइंट को देख लेते हैं साहब जी, पहले पॉइंट को देख लेते हैं. इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट इज रेवेन्यू फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं रेवेन्यू काट दिया साहब, क्यों काट दिया पता चला? रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरली फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी आर डीलिंग विद द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस सर, राइट। नेक्स्ट, तो ये रेवेन्यू वर्ड को क्यों काट दिया हमने बताओ, क्यों काट दिया रेवेन्यू वर्ड को हमने? डील्स इन प्रॉफिट एंटिटी चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यस बी केयरफुल, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करेंट ईयर नहीं, रिसीव इन करेंट ईयर, रिसीव इन करेंट ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, हो सकता है साहब इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो ये करेंट ईयर मतलब इन करेंट ईयर, इन करेंट ईयर जितना मिला, नॉट फॉर करेंट ईयर, नॉट फॉर करेंट ईयर, राइट। थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए ये देखो, करेंट ईयर मतलब इन करेंट ईयर की फॉर करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करेंट ईयर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करेंट ईयर, जितना सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला उसको हम रिसीव अकाउंट में क्या करेंगे, दिखाते हैं और फिर उसका एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, सर इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम मींस इट कैन बी फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करेंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, चलिए सोनी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट रिसिप्ट साइड ऑन कैश बेसिस प्रिंसिपल, ऑन व्हाट? कैश बेसिस प्रिंसिपल, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट साहब, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर क्लियर, सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन विच इज कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज कैलकुलेटेड बाई एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन एक्रुअल बेसिस, ऑन व्हाट? एक्रुअल बेसिस, ऑन एक्रुअल बेसिस, एक्रुअल बेसिस, सोन इन इनकम एंड व्हाट?
एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करेंट ईयर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करेंट ईयर, ऑफ करेंट ईयर। क्लियर? ठीक है, चलो पढ़ते हैं फिर से एक बार। साहब जी आइए, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर विच इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग, बाय एडजस्टिंग, बाय एडजस्टिंग by adjusting of outstanding subscription and advance subscription on accrual basis shown in income and expenditure account, income and expenditure account at, income and expenditure account at credit side, at credit side of current year, credit side of what, current year। Credit side of current year. Clear? Any doubt? No sir. चलिए फिर से देख लो इसको, फिर से देख लेते हैं। Subscription for current year, subscription for current year, इस साल का subscription which is calculated by adjusting outstanding subscription and advance subscription on accrual basis shown in इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एट व्हाट, क्रेडिट साइड। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, नोट नोट, नोट याद रखिएगा। सर क्या नोट याद रखना है, क्या नोट याद रखना है? इफ मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव, if member subscription received in lump sum, lump sum for, receive in lump sum शिवम दीपसिका सन अली, गुड मॉर्निंग। चलिए, इफ मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन लंप सम फॉर होल, होल ऑफ लाइफ is called life membership fee, life membership fee जो हम डिस्कस करेंगे, चलिए जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी अभी थोड़ा सीख लीजिए, अभी थोड़ा सीख लीजिए life membership fee। साहब इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, ठीक है। फिर इसको फर्दर क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर से देख ले हम लोग क्या क्या डिस्कस किए अभी। चलिए ये देखो सर जी, सर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन व्हाट इज इट? अपॉर्टिक अमाउंट रिसीव बाय मेंबर फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कीपिंग देयर मेंबरशिप अलाइव इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप। सर अपॉर्टिक मतलब व्हाट? इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, हाफली और एनुअली, राइट। सर अमाउंट कैसा होता है? इट कैन बी फिक्स, इट कैन बी फ्लक्चुएट कर सकता है, चेंज कर सकता है, या वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक साल इस साल का सब्सक्रिप्शन 5000, अगले साल का सब्सक्रिप्शन 500 रखते हैं ना, 500, अगले साल का 550, फिर 6, ऐसे करके इंक्रीज कर सकता है, राइट। चलिए, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टोटल सब्सक्रिप्शन, द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम विल बी सोन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट रिसीप्ट साइड ऑन कैश बेसिस प्रिंसिपल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर सोन इन द इनकम से नीचे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, क्लियर। अब लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे इसका कैलकुलेशन। सर कैसे कैलकुलेट करें? सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ रहेगा ड्यूरिंग द ईयर, प्लस साथ में यह भी दिया रहेगा कि पिछले साल कितना बाकी था, इस साल कितना बाकी है, पिछले साल कितना एडवांस था, इस साल कितना एडवांस, आसान है, साफ सीख लेते हैं। चलिए चलिए देखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखते हैं साहब जी। तो साहब हम लोग सीखेंगे अभी चल। कैलकुलेशन स्टेटमेंट शोइंग, ये देखो साहब, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, मेंबर सब्सक्रिप्शन मेंबर सब्सक्रिप्शन, ये देखो, क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द
ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इधर देखो एक अच्छी बात आपको बताते हैं, बहुत अच्छी बात, आप ये भी लिख सकते थे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट, काम तो हो जाता, आंसर भी आता, सब चीज ठीक होता। कॉन्सेप्ट जब इंक्रीज करना है साहब तो कुछ कॉन्सेप्ट की बात लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिख दिया आपने कि साहब क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक मैसेज गया ना आपको कि साहब ये अब तो क्रेडिट साइड ही जाएगा, एक कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, राइट। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमेशा आपको डिस्कस करते रहना है, यूज करते रहना है, राइट। ये भी लिख सकते थे कि साहब शोइंग सफिशिएंट फॉर द करंट ईयर, अरे यार करंट ईयर डेबिट साइड जाए क्रेडिट साइड का पता कैसे चलेगा यार, सीखते चलो थोड़ा सा। चलिए ठीक है साहब, इसका कैलकुलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं और लेजर ही बना सकते हैं। आज स्टेटमेंट सीखते हैं, कल लेजर सीखेंगे, राइट। चल आज स्टेटमेंट सीखते हैं हम लोग। ये देखो साहब जी, ठीक है, एक डेट डाल देते हैं, एक डेट डाल देते हैं साहब जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है, जितना बताओ उतना दिमाग में आप रखिएगा, क्योंकि एनपीओ का लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन को लेकर, सीख लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, राइट, सीख लीजिए अच्छे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जितना पढ़ाना चाहता हूं मेरे को पढ़ाने दीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे और बेहतर चीज के साथ, राइट, एडवांस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, लेकिन जैसे पढ़ा रहे उसे पढ़िए, फिर सारा क्वेश्चन किताब से बनेगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन बनाकर आप सीख नहीं सकते, क्वेश्चन कितना बनाओगे बता दो आप, ठीक है। टीएस खत्म करोगे तो डीके बचा हुआ, डीके खत्म करोगे तो भीके बचा हुआ, बात समझ में, फिर भीके खत्म करोगे तो सिद्धकी बचा हुआ, सिद्धिया खत्म करोगे तो टीएस ग्रीवाल बचा हुआ, उसको खत्म करोगे संदीप गर बचा हुआ, क्वेश्चन कितना खत्म करोगे, राइट। कॉन्सेप्ट लीजिए, आइए ये देखो साहब, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के ये देखिएगा कि सब्सक्रिप्शन हमको मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन हमको मिला कितना है, तो साहब सबसे पहले उसको लिख दीजिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसको लिख दीजिएगा साहब अच्छे से, टोटल टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, करेंट ईयर, चाहे आप लिख सकते ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2020, लेकिन ड्यूरिंग द करेंट ईयर लिखिए, राइट। कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला आप लिख दीजिए साहब जी, ठीक है, कितना मिला आप लिख दीजिए। सर ये कहां दिया हुआ रहेगा बताइए मेरे को, सर ये कहां दिया हुआ रहेगा, अभी देखते हैं कहां दिया हुआ रहेगा, सर ये कहां दिया हुआ रहेगा देखते हैं ना, सर ये कहां दिया हुआ रहेगा, ये देखो साहब, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एट रिसिप्ट साइड, एट रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट
साइट। क्लियर? वहां देख के लिख दीजिए। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल मिला। मिलने के बाद साल के अंत में कुछ बाकी भी तो हो सकता है साहब जी, तो जितना सब्सक्रिप्शन बाकी है उसको ऐड कर दीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग? उसको ऐड कर देंगे साहब जी। तो अच्छे से आप लिख दीजिएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, एंड ऑफ करेंट ईयर, एंड ऑफ करेंट ईयर, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर सर? ये कहां दिया हुआ रहेगा देख लीजिए, कहां दिया रहेगा सीख लीजिए, कहां दिया हुआ रहेगा साहब? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। कहां दिया रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, एट एसेट साइड, एट एसेट साइड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी तक क्या सीखे हम लोग, पहले आप जान लीजिए अभी तक क्या सीखे हम लोग। यही सीखे कि जितना सब्सक्रिप्शन हमको मिला है उसको लिख लिए, उसमें इस साल अब जो भी बाकी है उसको भी क्या किए, लिख लिए। राइट, उसको ऐड कर लिए। और जैसे आप बाकी को आप ऐड कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं साहब जी, एक्रुअल बेसिस से कर रहे हैं आप। किसे कर रहे हैं बताइए? एक्रुअल बेसिस से कर रहे हैं। ठीक है, हां सर, अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, समझो, सब्सक्रिप्शन मिला, जितना बाकी था ऐड किया। दोस्त ये भी तो हो सकता है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर ऐसा है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही दे दिया है, हो सकता है कि नहीं? तो पिछले साल वहां लेस कर देंगे, इस साल को ऐड कर, क्या करेंगे बताओ? ऐड कर। क्यों? इस सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, पिछले ही साल मिल गया। इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया, इस साल का सब्सक्रिप्शन, और इस साल का बाकी तो ऐड कर ही रहे थे है ना, और इस साल का पिछले साल मिल गया है तो उसको भी क्या करेंगे, वहां से वहां लेस कर देंगे, उस साल उसको लेस कर देंगे, पिछले साल उसको लेस कर देंगे एडवांस बोलकर, और इस साल उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? राइट, फिर से बात को समझिए, इस साल का सब्सक्रिप्शन अगर कुछ बाकी है तो ऐड कर दिए, इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ पिछले साल मिल गया है तो पिछले साल लेस करेंगे एडवांस बोलकर, एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, और यहां पे ऐड करेंगे एडवांस फॉर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। राइट, तो साहब जी इसको हम लोग ऐड कर देंगे, साहब जी ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। सर, राकेश सर, ये कहां दिया हुआ रहेगा? ये साहब ओपनिंग बैलेंस शीट में एट एसिड साइड दिया हुआ रहेगा। फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, एडवांस मिला है ना, ठीक है,
तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड दिया हुआ रहेगा। लायबिलिटी साइड समझते हैं ना, समझते हैं? हमको इनकम एडवांस मिल रहा है, एडवांस इनकम लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं साहब, तो अभी तक क्या सीखा फिर से एक बार देख लीजिए। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आप लिख दिए, उसमें कुछ मेंबर का सब्सक्रिप्शन बाकी है उसको ऐड कर दिया एक्रुअल बेसिस के अनुसार, क्लियर। और कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल वाला सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही मिल गया था, उसको वहां से माइनस कर देंगे और यहां पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन हो गया, इस साल का सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट। अब ये देखो इस साल का सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट अब ये देखिए साहब, अब इसमें हम लेस कर देंगे, अब इसमें हम लेस कर देंगे साहब जी, अब हम लेस करेंगे साहब जी, क्या लेस करेंगे सर? तो ये बताओ जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको मिला था, राइट, ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको मिला था हम तो लिख लिए, राइट। सॉरी, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या चीज का बुक? तो अभी थोड़ा सा हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद कॉल करते हैं। जी जी, ओके सर, चलो वेलकम। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख दिए थे इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। अब ये देखो सब्सक्रिप्शन जो हमको टोटल मिला है इस साल मिला है, हो सकता है कि उसमें कुछ एडवांस मिला है, हो सकता कुछ एडवांस मिला अगले साल के लिए, कुछ हमको एडवांस मिला है अगले साल के लिए, तो साल उसको हटा देंगे और उस साल फिर ऐड करेंगे, इस साल हटाने दीजिए उसको। तो लेस साहब, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर करेंट ईयर एंड ऑफ करंट ईयर क्लियर। इसको सर ये कहां दिया हुआ रहेगा? राइट सर, ये कहां दिया हुआ रहेगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो साफ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एट व्हाट लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, ठीक है साहब जी। अब ये देख लीजिए,
की लिस्ट कर देंगे। अच्छा ये बताओ, जितना सब्सक्रिप्शन हमको मिला, जितना सब्सक्रिप्शन हमको मिला, हो सकता है कुछ मेंबर जो पिछले साल नहीं दिए थे इस साल दिए होंगे, राइट? फिर से बात को समझिए, जितना सब्सक्रिप्शन हमको मिला उसमें हो सकता है कुछ मेंबर अगले साल के दिए उसको लेस किए एडवांस है, और कुछ मेंबर पिछले साल नहीं दिए थे इस साल वो दे रहे सॉरी बोलकर, सर सॉरी सर प्लीज टेक इट, तो सर क्या उसको इस साल जोड़ देंगे? क्या वो इस साल का इनकम है? नहीं सर, वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग करके बोल के जोड़ दिए थे वहां पे, तो फिर ये पैसा वहीं जाएगा, ये पैसा वहीं जाएगा, वापस क्या करेंगे उसको हम लोग? वहीं भेज देंगे, क्योंकि वो पिछले साल का इनकम है, एक्रुअल बेसिस से बना रहे हो, पिछले साल का इनकम है, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, पिछले साल का इनकम है। साहब तो हम लिस्ट कर देंगे, क्या लिस्ट कर देंगे साहब? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट करेंट ईयर लिख देंगे साहब जी। सर ये कहां दिया हुआ रहेगा? बिगिनिंग की बात है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एट एसेट साइड दिया हुआ रहेगा, एसेट साइड दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा दोस्त। क्लियर? कोई डाउट? कोई इंक्वायरी? नो सर। इंक्वायरी सर, लमसम मींस टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल लाइफ एक ही बार दे दिया, एक साल का 10,000 है तो पूरा 15 साल का एक ही बार दे दिया जोड़कर, दैट इज लमसम, ठीक है? वंस, ठीक है, एडवांस एक ही बार पूरा पैसा दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट ये हमारा निकला है सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। साहब ये आ गया, क्या आ गया? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। सर ये कहां मिलेगा? सर ये कहां मिलेगा? क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, कि हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कैलकुलेशन करने दिया रहे। हो सकता है सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर दिया रहे, अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीव दिया रहे, और हमको ये चारों वेरिएबल से हो सकता है एक मिसिंग हो, ये भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, फिर से दिमाग में भर लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कैलकुलेशन में क्वेश्चन में दिया रहे कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ये भी हो सकता है कि करंट ईयर का दिया रहे, रिसीव दिया रहे, और कुछ एक एडवांस और प्रीपेड से हमको क्या करना पड़े? निकालना पड़े। नेक्स्ट, ये कहां दिया रहेगा साहब? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एट इनकम साइड, एट व्हाट इनकम साइड। क्लियर? कोई डाउट? नो। आगे बढ़ते हैं,
ये देखो साहब जी, अब इसके बाद हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर लिख दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ये देखो साहब जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ये, एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट रुपीज 22 सब्सक्रिप्शन कहां से आया राकेश सर? वर्किंग नोट से आया। वर्किंग नोट 1 से आया। किधर लिखते हैं? 1 से आया। क्लियर? और ये जितना यहां आप दिखाए हैं, जितने ये सब्सक्रिप्शन आया है, साहब इसको सीधा आप लिख दीजिए। सही है? आगे बढ़े। फिर आपको हो सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोल दे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोल दे, तो बहुत आसान, उसको भी देख लीजिए साहब जी। ये देखो ओपनिंग सेलस क्लोजिंग बैलेंस शीट, एज ऑन 31st March 2020, राइट? एक छोटी सी बात और सीख लीजिए आप, एज एड भी लिख सकते हैं, एज ऑन भी लिख सकते हैं, राइट? एज एड लिखिएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो फिर वो टाइम मेंशन करना पड़ेगा, टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखो ये बैलेंस शीट, साहब लाइबिलिटीज, साहब अमाउंट रुपीज, ये देखो साहब एसेट्स, ये साहब अमाउंट रुपीज। सही है? अब ये सीख लो, ठीक है? 31st मार्च क्लोजिंग है तो 31st मार्च, अगर साहब ये ओपनिंग होगा, अगर ओपनिंग होगा
राइट। चलिए साहब, सबसे एडवांस इनकम एडवांस लाइबिलिटी है ना, तो साहब एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां दे दीजिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन और साहब जी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यहां लिख दीजिएगा राइट। लाइन से क्लोज कर दीजिएगा ठीक है। और ये बैलेंस शीट में सारा आइटम तो नहीं दिखा रहा है, बैलेंस में सारा आइटम नहीं दिखा रहा है, तो बैलेंस शीट एंड क्या लिख देंगे एक्सट्रैक्ट। और बाबू साहब ठीक उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारा आइटम तो नहीं दिखा रहा है, तो यहां भी साहब क्या लिख देंगे एंड एक्सट्रैक्ट, एंड एक्सट्रैक्ट राइट, एन एक्सट्रैक्ट। कोई डाउट क्लियर? तो फिर से एक बार देख लीजिए अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया फिर से एक बार देख लीजिए। चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। देखो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 पूरे इस साल के अंत में, इस साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल के अंत तक सब्सक्रिप्शन कितना मिला उसको लिख लिया। कहां से आया? रिसीव पेमेंट अकाउंट से आया। सर रिसीव पेमेंट में कहां से आया? कैशबुक से आया राइट। सर कैशबुक से कहां से आया? मेंबर के रजिस्टर्ड से आया। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये देखो टोटल सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर यानी दैट इज 31st March 2020। फिर एडवांस अपने साल के शुरू में जो मिला इस साल के लिए मिला है दैट इज 1st April 2020। फिर एंड, एंड ऑफ करेंट ईयर दैट इज 31st March 2020 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 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 ऑफ द करेंट ईयर दैट इज 1st April 2020 राइट। क्लियर? ये हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साहब जी ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो साहब ठीक है, सही, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 31st March 2020 एंड सो इट फाइनल अकाउंट
ऑफ हेरिटेज क्लब कैसे दिखेगा बताइए।